नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, आज सुबह 10 बजे से पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी हुई दिखाई दी। भीड़ इसलिए लगी क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। पेट्रोल खत्म होने का कारण क्या है जानते हैं। रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों में कई जगह पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिली क्योंकि वहां पर पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल स्वामियों से पूछा गया, पेट्रोल जो पंप को स्वामी है उनसे पूछा गया कि ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है। उन्होंने बताया कि डिपो से सप्लाई बंद हो चुकी है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की दिक्कत हो रही है। शहर के अन्य क्षेत्रों में भी पेट्रोल की और डीजल की दिक्कत रही। इसी विषय में हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जब ये बात लोगों को पता लगी तो वहाँ भारी भीड़ जुट गई और ये देखने को मिला, आपाधापी लोग करने लगे कि मेरी बाइक में या मेरी गाड़ी में पेट्रोल गिर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फिर इस विषय पर हमने अधिकारियों से बात की। जानिए अधिकारियों ने क्या कहा। एक कंपनी में डीजल की शॉर्टेज है HPC के पास, बाकी BPC और IOC के पास पेट्रोल पंपों पर खूब पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल है और वो भी जो है उनके अधिकारियों से नियमित संपर्क बना रखा है, लगातार संपर्क किया जा रहा है और उनकी जो समस्या है स्टॉक की उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी जल्दी शॉर्ट आउट कर दिया जाए। दिक्कत क्या आ रही है सर? वो दिक्कत तो उनकी नेशनल लेवल की है, जो है उनके पास जो डीजल वो IOC से लेते हैं, दूसरी कंपनी से लेते हैं, उनमें आपस में कुछ लिटिगेशन हो रहे हैं दोनों कंपनीज़ में रेट को लेकर, तो वो आपस में उनका शॉर्ट आउट उन्हीं को करना है। बड़े सर, जो पहाड़ों पे यात्रा चल रही है कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है पहाड़ में डीजल की? बिल्कुल, हमने ये कर रखा है कि पहाड़ में चारधाम यात्रा को देखते हुए टॉप प्रायोरिटी पे जो है वहाँ डीजल पेट्रोल भिजवाया जा रहा है, वहाँ बिल्कुल शॉर्टेज नहीं होने दी जा रही और ना होने दी जाएगी। होया है भैया अभी तक है ही नहीं, सब मना कर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है, पीछे से पेट्रोल नहीं आ रहा। ये तो परसों से दिक्कत चल रही है भैया, परसों भी थी, कल भी और आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। आज तो बंद ही कर दिया पेट्रोल देना। कारण बता ही नहीं रहे कि पीछे से कह रहे हैं पेट्रोल नहीं आ रहा, महंगा करेंगे। आप भी घूमे होंगे पेट्रोल डाल, कितनी बड़ी दिक्कत क्या हो? बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो 2 दिन कहीं पेट्रोल पंप पे आ गए, लाइन में लग के वापस आ गया, तेल खत्म हो गया, अब मिल नहीं रहा। अब यहाँ खड़े लाइन में कितने पेट्रोल पंप चक्कर? 4-5 जगह हो गया, ये खत्म हो गया। अभी आदर्श नगर से आ रहे थे, बड़ा पेट्रोल नहीं है। कितने पेट्रोल पंप? 5 पे हो गया, वो आया छठे पे, कोहना से आया, उधर से नहीं है, उधर दूसरे पेट्रोल पंप से आया, अभी यहाँ आया रोडवेज से। ATM तिराए पे जो है ना हमारा चौराहा, उस पर पेट्रोल नहीं है, उस पर गया उस पर नहीं है। वर्तमान में अब देख रहे हैं, यहाँ नहीं है, ये डाल रहे हैं अलग है, वो क्या बात है, क्या व्यवस्था होंगी? ये जो है कमियाँ किसकी है? ये तो आप, या तो आप जानते हो या फिर सरकारें जानती हो। पब्लिक बेहाल है, सरकार खुशहाल है, ये कारण क्या है? कुछ समस्या तो बताएं। उपभोक्ता को कुछ भी नहीं बता पा रहे कि पेट्रोल नहीं है, बस लगा यहाँ पर पेट्रोल नहीं है, यही हमने बाहर सब पे देखा बोर्ड, यही लग रहा है पेट्रोल नहीं है। पूछते क्या कारण है? कुछ भी नहीं है।